भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जो खिलाड़ियों के चोटिल होने का इंतजार करता था, भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जिसे बहुत कम मौका दिया गया। इसके लिए कपिल देव ने कहा था, इसके जैसा एटीट्यूड और जोशीला लड़का मैंने नहीं देखा। अभी तक का यह खिलाड़ी बड़े बाउंसर के लिए जाना जाता था। क्रिकेट के बारे में यह कहा जाता है कि यह संभावनाओं का खेल है। यह खेल जितना मैदान पर संभावनाओं के साथ जुड़ा है, उतना ही खिलाड़ियों के निजी जीवन के साथ भी जुड़ा होता है। आज हम आपको जिस खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं, वह खिलाड़ी खेल से ज़्यादा अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में रहा। हालांकि इस खिलाड़ी का क्रिकेट सफर भी बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन जितना रहा उतने में इस खिलाड़ी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस खिलाड़ी का घरेलू क्रिकेट बेहतरीन रहा, लेकिन जब भारतीय टीम के लिए रन बनाने की जरूरत हुई तो इस खिलाड़ी के बनने से रन नहीं निकल पाए, जिसका नतीजा हुआ कि इस खिलाड़ी को एक तो बहुत कम मैच खेलने का मौका मिला और दूसरी बात, भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी तब मौजूद थे। यह खिलाड़ी बाएं हाथ का स्पिन गेंदबाज है, लेकिन इसके समय में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी भारतीय टीम में जादू बिखेर रही थी। ऐसे में आपको इन दोनों खिलाड़ियों को मात देना था। यह खिलाड़ी उग्र रवैये के लिए जाना जाता है। इस खिलाड़ी के लिए तब के कोच रहे महान ऑलराउंडर कपिल देव ने कहा था कि मैंने अपने 20 साल के इंटरनेशनल करियर में इस तरह के रवैये वाला कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा। इस खिलाड़ी का नाम है मुरली कार्तिक। मुरली कार्तिक का जन्म 11 सितंबर 1976 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। मुरली के पिता वेस्टइंडीज के खिलाड़ी गौरी सावर्स की तरह एक महान खिलाड़ी बनाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने पिता के ही कहने पर गेंदबाजी की भी शुरुआत की और फिर उन्होंने बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। मुरली कार्तिक जब तमिलनाडु से दिल्ली आए तब उनकी गेंदबाजी में उतनी रफ्तार नहीं थी जितना कि तब के दिल्ली के खिलाड़ियों में हुआ करती थी। ऐसे में उन्होंने गेंदबाजी के मोड में बदलाव किया और फिर स्पिन गेंदबाज बन गए। उन दिनों मुरली कार्तिक भारतीय टीम के पूर्व स्पिन बिशम सिंह बेदी की निगरानी में अपना क्रिकेट करियर आगे बढ़ा रहे थे। दिसंबर 1992 में दिल्ली के जूनियर टीम में उन्हें अंडर 16 में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ कार्तिक ने कमाल की गेंदबाजी की थी। उन्होंने 76 रन खर्च कर 10 विकेट अपने नाम दर्ज करवाया था। इतना ही नहीं, बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 52 रन भी बनाया। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के खिलाफ भी 2 विकेट अपने नाम दर्ज किया। हालांकि अब उनकी उम्र अंडर 16 खेलने की नहीं रही थी, उन्हें दिल्ली की टीम में अंडर 19 में खेलने का मौका नहीं मिला, जिसका कारण हुआ कि मुरली कार्तिक ने लगभग 2 सालों तक कोई भी घरेलू क्रिकेट नहीं खेला, जिसके बाद रेलवे की तरफ से खेलने लगे। हालांकि इसी दौरान अंडर 19 भारतीय टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया। इसके बाद साल 1994-95 में जब वे नई टीम का हिस्सा बने तो उन्होंने 5 मैचों में 14.58 के औसत से 24 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान विदर्भ के दौरान उन्होंने 28 रन खर्च कर 5 विकेट अपने नाम दर्ज कर लिया। इसी प्रदर्शन का नतीजा था कि उन्हें अंडर 19 के सेंट्रल जोन की तरफ से खेलने का मौका मिल गया। इस दौरान उन्होंने 4 मैचों में 25 की रन औसत से 5 विकेट अपने नाम दर्ज किए। हालांकि इस दौरान बल्ले से भी बहुत रन नहीं निकल पाया। इसके बाद उनका सीजन यानी 1994-95 का सीजन मुरली कार्तिक के लिए शानदार रहा। उन्होंने रेलवे की तरफ से खेलते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ 73 रन खर्च कर 5 विकेट अपने नाम दर्ज किया और उसके बाद 55 रन खर्च करके 5 विकेट अपने नाम दर्ज कर लिया। विदर्भ के खिलाफ फिर से 42 रन देकर इन्होंने 5 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इसी सीजन में राजस्थान के खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन उन्होंने फिर से दोहराया। स्थिति यह थी कि 7 मैचों में 38 विकेट अपने नाम दर्ज कर लिया था। रेलवे फाइनल में खेल रही थी और सामने थी पंजाब की टीम। पहली पारी में मुरली ने 57 रन खर्च कर 4 विकेट अपने नाम कर लिया था। दूसरी पारी में भी मुरली ने 3 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इसी दौरान कुछ और बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उन्हें भारतीय टीम के अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। इस दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका में खेलने जाने का मौका मिल गया, जहां उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों श्रृंखलाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया। साल 1996-97 में कार्तिक को घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के खिलाफ लिस्ट ए मुकाबले खेलने का मौका मिला। इस दौरान कार्तिक ने 2 विकेट 27 रन देकर अपने नाम दर्ज किया। इसके बाद विदर्भ के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में कार्तिक ने हैट्रिक लगा ली। पहली पारी में उन्होंने 28 रन खर्च कर 6 विकेट अपने नाम दर्ज के लिए। विदर्भ की पूरी टीम महज 103 रन पर ही सिमट गई, लेकिन कार्तिक को भारतीय टीम में खेलने के लिए इतनी विकेटें या फिर इस तरह की गेंदबाजी काफ़ी नहीं थी। मुरली की गेंद न तो ज़्यादा टर्न कर रही थी और न ही ज़्यादा हवा में फ्लाइट हो रही थी, इसके कारण उन्हें भारतीय टीम में शामिल होने में इतना समय लग गया था। हालांकि इस दौरान उनके एटीट्यूड में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। मुरली कार्तिक के जीवन से जुड़ी एक घटना, उन दिनों भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार कर भारत आई थी। उन दिनों भारत में घरेलू मैच चल रहा था। उन दिनों मुरली कार्तिक बैटिंग कर रहे थे।
उस मैच में मुरली कार्तिक बैटिंग कर रहे थे और अनिल कुंबले गेंदबाजी। अनिल ने गेंद को मुरली ने डिफेंस में खेला, जिसे देखकर कुंबले हल्का मुस्कुराए। तभी मुरली ने बेबाकी से कहा कि यहाँ क्या अग्रेशन दिखा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में तो हवा टाइट हो गई थी। इस दौर में एक नया खिलाड़ी का अनुभवी खिलाड़ी से इस तरह बोलना एक बड़ी बात थी। साल 2000 के शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका की टीम मुंबई और बेंगलोर के दौरे पर थी। तब के टीमों की बात करें तो हरभजन सिंह और अनिल कुंबले की टीम के साथ भारत को एक और स्पिन गेंदबाज की जरूरत थी। ऐसे में मुरली कार्तिक को टीम में शामिल किया गया। हालांकि इस दौरान उनका प्रदर्शन दोनों ही मैचों को मिलाकर बेहतर रहा था। हालांकि इन दोनों ही मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों ही मैचों में मुरली ने दो टेस्ट मैचों में 3 पारियों में 87 रन देकर 6 विकेट अपने नाम दर्ज किया। उन्होंने पोलाक और क्लूजनर के साथ साथ बॉचर जैसे बल्लेबाजों का विकेट अपने नाम दर्ज किया था। इन दोनों मुरली ने अपनी गेंदबाजी में गजब का कला दिखाया। वे छोटे कद के थे लेकिन गेंद को बाउंस भी करा सकते थे। इसके बाद वे भारतीय टीम में कुंबले और हरभजन सिंह के बाद मुरली कार्तिक जो है टीम इंडिया का हिस्सा बने, लेकिन इसके बाद भी उन्हें लंबे समय तक टीम के साथ रहने का मौका नहीं मिला। स्थिति यह थी कि मुरली को किसी खिलाड़ी को चोटिल होने का हमेशा इंतजार करना पड़ता था। इस बीच साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया की टीम का भारत का दौरा हुआ। शुरुआती 2 मैचों में मुरली कार्तिक टीम में थे। इस सीजन में मुरली ने 3 मैचों में 13 विकेट अपने नाम दर्ज कर लिया। मुरली ने भारत को करिश्माई जीत दिलाने में अहम योगदान दिया और मैच में 7 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। इस प्रदर्शन के बाद मुरली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में आ गए। इन प्रदर्शनों के बाद यह कहा जाने लगा कि मुरली को अब भारतीय टीम में नियमित रूप से खिलाड़ी के तौर पर खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन इनका नसीब इतना अच्छा नहीं था। इसके बाद वनडे में 4 मैचों में 8 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 5.5 की थी। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन खर्च कर 6 विकेट अपने नाम दर्ज किया। हमने आपको पहले ही कहा था कि क्रिकेट पूरी तरह से संभावनाओं पर आधारित होता है। मुरली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ तो टीम मैनेजमेंट ने नज़र ही घुमा लिया। अब मुरली कार्तिक का जिक्र होता है और उनका भारतीय टीम में लंबे समय तक नहीं खेलने के कारणों में खोजा जाता है, तो उसमें इस बात का जिक्र होता है कि उनका पदार्पण ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय टीम के पास 2 बेहतरीन स्पिनर पहले से ही मौजूद थे, अब अनिल कुंबले और दूसरा हरभजन सिंह सामने। हालांकि वह दौर भी सामने आया जब इन दोनों खिलाड़ियों ने क्रिकेट से लगभग नाता तोड़ दिया था, यानी कि संन्यास की ओर थे। उसके बाद भी मुरली कार्तिक को टीम में शामिल नहीं किया गया। स्थिति यह हो गई थी कि कार्तिक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से मानो उम्मीद ही तोड़ दिया। वे इस दौरान घरेलू में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते रहे। लगभग 6 साल तक उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेला। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड में अलग अलग टीमों के साथ काउंटी क्रिकेट भी खेला, लेकिन इसके बाद भी चयनकर्ताओं की नज़र मुरली कार्तिक की तरफ न गई। साल 2008 में शुरू हुए इंडियन प्रीमियर लीग में मुरली कार्तिक को कोलकाता की टीम ने खरीदा, जिसमें उन्हें 6 मैच खेलने का मौका मिला। 3 विकेट अपने नाम दर्ज किए। मुरली कार्तिक ने 2008 से लेकर 2014 तक कुल 56 मैच खेले, जिसमें उनके नाम 31 विकेट दर्ज है। उन्होंने IPL के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन 2010 और 2013 के बीच में किया था, जब उन्होंने 9-9 विकेट अपने नाम दर्ज किए थे। मुरली कार्तिक के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 8 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें 24 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 76 रन देकर 7 विकेट रहा है। वनडे की बात कर लें तो 37 मैचों की 36 पारियों में 37 विकेट अपने नाम दर्ज किया। बेस्ट बॉलिंग स्पेल 27 रन देकर 6 विकेट रहा है। एक बार उन्होंने 5 विकेट भी हॉल करने का कारनामा किया। T20 की बात कर लें तो 1 मैच खेलने का मौका मिला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो इस खिलाड़ी ने दिखाया है कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कितना मेहनत किया। उन्होंने 203 मैच खेले, जिसमें 4,423 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 644 विकेट अपने नाम दर्ज कर लिए। 70 रन खर्च कर 9 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है। लिस्ट ए मैचों की बात कर लें तो 194 मैचों में उन्होंने 249 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 27 रन खर्च करके 6 विकेट रहा है। T20 घरेलू मैचों की बात कर लें तो 147 मैचों में 110 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 13 रन खर्च कर 5 विकेट रहा है। तो ये थे मुरली कार्तिक, जो कि हमेशा दूसरे खिलाड़ियों के चोटिल होने का इंतजार करते थे, तब इन्हें भारतीय टीम में खेलने का मौका मिलता था। आपको क्या लगता है, मुरली कार्तिक को भारतीय टीम यानी कि BCCI को अभी और मौके देने चाहिए थे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।